अब आ गया हूँ सुबह सुबह जॉगिंग करने, मस्त ठंडी ठंडी हवा, बिंदास माहौल, दिल खुश हो जाता है भाई। उधर देखो कबूतर दाना चुग रहे हैं, मस्त दाने चुगे जा रहे हैं कबूतर लोग। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट है उनका। गिलहरी भी छोटी सी है, दिखाऊं छोटी सी गिलहरी, ये देखो ये छोटी सी गिलहरी भी दाना चुग रही है बीच में, उसको डर भी नहीं लग रहा है। तेल लेने गया सब कुछ, मेरे को तो खाना है भाई, तो भीड़ में घुस के खाना है भाई। ये इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना ज़िंदगी में, तो फिर ज़िंदगी सही से चलने लग जाती है। ये देखो भरी महफिल में घुस के खा रही है बिंदास। दो चार पांच राउंड लगाएंगे शॉर्टकट, उसके बाद अपना बैक टू पवेलियन, ऑफिस का काम करना है। बट स्टार्टिंग डे की स्टार्टिंग करनी है जॉगिंग से, बहुत ज़्यादा मारा मारी नहीं, बट स्लोली स्लोली वॉक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी ये आसपास बहुत शोर भी हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह नियर अबाउट पार्क ट्रैफिक रहता है, राइट। तो गाइज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे अच्छी बात है कि स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। दोस्त यहाँ पे सो रहा है, मत इसको टेंशन नहीं है कोई ज़िंदगी की, कोई दिक्कत नहीं, आप सोते रहो यार, टेंशन फ्री रहो, कोई पंगा नहीं लेगा आप। आज मैं जॉगिंग करते करते आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सभी ने सुनी है, और कहानी कुछ इस तरह से है, माँ बाप के ऊपर है, अपने माँ बाप का सम्मान करें सदैव, जैसे बचपन में उन्होंने आपको पाला था। अब उनको, अब वो बुज़ुर्ग हो गए तो उनको बच्चों की तरह आप ट्रीट करें, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनको उनका सम्मान करें। वो अगर बच्चे बने हुए हैं तो बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें, जब वो बड़े बने हुए हैं तो बड़ों की तरह उनको ट्रीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा छोटा होता है अपने पापा से पूछता है, एक कौवा बैठा होता है मुंडेर पे और पापा से पूछता है, पापा ये क्या है? पापा बोलते हैं, इंग्लिश में कह लो क्रो, हिंदी में कह लो कौवा, जो भी, पापा बोलते हैं कौवा। बच्चा बोलता है, पापा ये क्या है? पापा वो, पापा वो, पापा वो, पापा वो क्या है? कौवा। पापा वो कौवा है बेटा, पापा वो कौवा है, पापा वो कौवा है बेटा, कौवा है, देखो कितना अच्छा कौवा है पापा वो। इतनी बार ही, जितनी बार ही वो करता है, जितनी बार ही उस तरफ उंगली उठाता है, पापा उसको बताते हैं, पापा पापा उसको बताते हैं, बेटा वो कौवा है। बट जब पापा बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसी मुंडेर पे कौवा बैठा होता है, पापा बच्चे से पूछते हैं, बच्चा अब बेटा बड़ा हो गया और पापा बुजुर्ग हो गए, तो बेटे से पूछते, बेटा वो क्या बैठा है? काला काला सा दिख नहीं रहा, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। बेटा बड़े प्यार से बोलता है, ऐसी बात नहीं कि वो बदतमीजी कर रहा है, बेटा प्यार से बोलता है, पापा का हुआ है वो। बट जब दोबारा पापा पूछ लेते हैं, उनको सुनाए, उनके कान से भी सुनना भी थोड़ा कम हो गया, बोलते बेटा क्या बोले, क्या है वो? अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? अभी तो बोला आपको वो कौवा है, बार बार क्या है आपको कुछ काम नहीं है क्या? आपको कुछ काम नहीं है क्या? वो क्या है, यहाँ क्या, वो क्या, सब पूछते रहते हो यार, बोल दिया ना एक बार कौवा है, कौवा है, अब मत पूछना बार बार, देखो इतना टाइम नहीं आपको बताने का कि आपको मैं बताऊँ वहाँ कौन बैठा है, काला काला सा क्या दिख रहा है। बस निकल गई। जब आप बच्चे थे तब हज़ार बार उन्होंने बोला, जितनी बार उन्होंने बोला, जितनी बार आपने उंगली उठाई, उससे कई ज़्यादा बार उन्होंने बोला बेटा ये है, बेटा ये है, बिकॉज इतना पैम्पर किया आपको, आपको समझ भी आ गया ये है, बट फिर भी वो बोले जा रहे हैं बेटा ये चीज़ है, आप भी मज़े लिए जा रहे हो, वो क्या है बताए जा रहे हो, बट आपकी एक ही बार में निकल गई। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, और बात बात पे झल्लाना बंद कीजिए। आज के लिए ये कहानी सुबह सुबह आई माइंड में, फ्रेश माइंड था, मैंने आपको बता दी। अगर ज्ञानवर्धक रही हो
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत। जॉगिंग हो गई कंप्लीट, अब चलते हैं घर, करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस। मंदिर है श्री शनि जी का, बढ़िया सा मंदिर, नहा धो के दर्शन करने आएंगे यहाँ पे। घर की तरफ मिलते हैं, घर पे जाके देखते हैं घर पे क्या हो रहा है। चलिए, बूरी पुल के पास थी, बूरी को बूरी बूरी बोल बोल के ना अपने साथ ले आया हूँ। तो गाइस अभी घर में घुस गया हूँ, पहुँच गया हूँ घर, जॉगिंग हो चुकी कंप्लीट, करा चुका हूँ। घर पे देखो कौन करिश्मा कर रहा है अपने साथ। आदि क्या कर रहा है तू, अभी सो के उठा है, मोबाइल चला रहा है तू? और खाना खाया, नाश्ता किया क्या? क्या खाया? कैरेट, कैरेट खा ले, एक कैरेट खा ले। ये देखो गाजर खा रहा है, ये भी अपना फुल मतलब हेल्दी फ्रूट्स और सब चीज़ें पसंद करता है, फालतू चीज़ें नहीं पसंद करता है। आदू हाई कर दो, वहाँ पे हाई कर दो। हाँ हाई कर दिया आदू ने, तो बस फिर अगला रूटीन स्टार्ट होगा, मिलते हैं अगले शॉट में। अब चलेंगे अपने ऑफिस, ऑफिस अपना वर्क फ्रॉम होम, घर से ही ग्राउंड से सेकेंड फ्लोर पे अपना ऑफिस बना रखा है। चलें अपने ऑफिस में, सब अंधेरा है, अभी उजाला कर दिया गया ऑफिस। ये रहा अपना ऑफिस, ये रहा अपना लैपटॉप, और यहाँ ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। तो फिर काम करते करते स्टार्ट करते हैं भाई अपना ऑफिस। चलो जी, मिलते हैं अगले शॉट में, ब्रेकफास्ट करते करते करेंगे ऑफिस, होगी मुलाकात अगले शॉट में। तो गाइज बस डे स्टार्टअप हो चुका है, ऑफिस वर्किंग शुरू हो चुकी है। आप लोगों को पूरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग गाइज। वी आर जस्ट अबाउट न्यू वीज हियर इन यूट्यूब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।